हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर आता हूं। तो आइए आज फिर से एक नए जॉब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैं यही सेम कंपनी का माउंट मैकडोनल्ड का एक वैकेंसी लेके आया था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, डिजाइन इंजीनियर के लिए था वो भी। तो उसमें अब मैं जब वीडियो अपलोड किया, उसके नेक्स्ट डे से क्या हो गया कि वो लिंक काम करना बंद कर दिया। मतलब कंपनी ने वो वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों किया। शायद कोविड के सिचुएशन की वजह से किया होगा, या फिर उनके रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेज आया होगा, उसकी वजह से उन्होंने कंपनी ने उस वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया। तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखिए, 2 दिन के बाद फिर से उसी डिजाइन इंजीनियर का फिर से वैकेंसी आ चुका है। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके अप्लाई करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ ऑलरेडी। तब चलिए मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या आया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, आ गए हम कंपनी की वेबसाइट पे। तो कंपनी वही सेम कंपनी है। अब देखिए इसमें जो ये भी सिविल और स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, वो था ग्रेजुएट डिजाइनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल एंड स्ट्रक्चर। इसका जो हेडिंग है वो है सिविल स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, ठीक है। इसमें भी जो कंपनी का कोई एमएनसी है, हम कंपनी बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, ठीक है। मैं लिंक में डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तब वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, देखिए, टू एग्जामिन एंड डिजाइन द वेरियस इंडस्ट्रियल आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर सच एज प्लांट बिल्डिंग, पाइप, रैक्स, प्लेटफॉर्म, टैंक, फार्म, ये सब जो है डिजाइन करना है आपको। एग्जामिनेशन एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चरल एलिमेंट, ठीक है, वो सब का डिजाइन वगैरह। मतलब वो जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है, फाउंडेशन से लेकर डिजाइन तक का सब आपको देखना है। तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड तो बिल्कुल पहले आप क्या करेंगे, आपको अप्लाई करना है, आपको सीवी बनाना पड़ेगा अच्छा सा। इसको आके अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद सीवी बना के, कवर लेटर बना के अप्लाई कीजिए। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग विथ पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है। दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट भी आपका होना चाहिए। जो प्रीवियस वाला था उसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएट कंपलसरी नहीं था, लेकिन इसमें कंपलसरी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये है एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ग्रेजुएट डिग्री विथ एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन एंड डिजाइन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। मतलब फ्रेशर है, साथ में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, वो है, ठीक है। तो यही सब है इसमें आपको। जैसे स्टैट प्रो वगैरह, आपको पिछले वाले में ई टैब था, इसमें स्टैट प्रो आना चाहिए। स्टैट प्रो आना चाहिए, डिजाइन सॉफ्टवेयर लगे स्टैट प्रो, लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर, शैल बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एडवांस एक्सेल, ठीक है, डिजाइन स्प्रेडशीट यूजिंग मैक्रोज, ठीक है। आपको एक्सेल डिजाइन भी आना चाहिए। सो मतलब आना चाहिए, अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख लीजिएगा। नहीं आता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब उसका रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है इसमें कंपलसरी। बाकी आपको फ्रेशर है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं दिखा देता हूँ, इसका जो लास्ट डेट है 14 मई है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 वीक है आपके पास, जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम कैसे अप्लाई करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। बस अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब लॉग इन करने के लिए आएगा। तो मैंने लॉग इन किया हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहाँ पे साइन आउट का आ रहा है ऑप्शन, मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये सब, इस पे मेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप फॉर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए आप यहाँ से क्या मैं इस कंपनी में काम करता हूँ ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं करता हूँ तो यस, नहीं करता हूँ तो नो लिखना है। उस पर जाके जो फॉर्म फिलअप होने का नॉर्मल प्रोसेस होता है वही है। अब जाके अप्लाई कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं पूरी हेल्प करने का कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। कमेंट करके बताएं आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल जाके अप्लाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों एमएनसी है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेंबर टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।